हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक स्टूडेंट के लाइफ में कितनी सारी स्ट्रगल होती है और उन स्ट्रगल के साथ गुजरने के बाद तब जाके एक स्टूडेंट को कामयाबी मिलती है। तो हमें उन स्ट्रगल का सामना कैसे करना चाहिए, कैसे अपने आप को हमेशा काम रखें, अपने आप को कंट्रोल्ड में रखें, और कैसे हम अपनी कामयाबी, अपनी गोल्स को हम कैसे हासिल कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक जरूर थी, ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। डेफिनेटली आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप किसी भी फेज में हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप 11th में हैं, आप 12th में हैं, या फिर आप PhD कर रहे हैं, आप कोई भी किसी भी ग्रेड के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो बेसिकली मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। और बहुत ही मैंने इस टॉपिक पे बहुत मेहनत की हुई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा डेफिनेटली। तो दोस्तों, जैसा कि हम स्टूडेंट लाइफ में हमें सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होती है। भाई पैसे हैं तो घर से आ रहे हैं, तो घर से पैसे आ रहे हैं उसको मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है, और कपड़े भी धुलने हैं, हमको खाना भी खाना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारे लिए पढ़ाई ही है, क्योंकि हमें पता है कि हम पढ़ाई के लिए तो सब स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये सब स्ट्रगल हम कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए ही कर रहे हैं, तो हमें पढ़ाई के साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है, और उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को फेस कर हमें अपने गोल्स पर हमेशा डटे रहना, यही हमारा एक मोटिव होता है। और कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भटक जाते हैं उन्हीं जाल, चक्रव्यूह के जाल में जो हमारे चारों तरफ होते हैं। कोई मोबाइल में फंस जाता है, कोई लड़की के चक्कर में फंस जाता है, कोई किसी गंदी आदतों में फंस जाता है, कोई किसी को लत लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट लाइफ को सब लोग समझते हैं कि भाई तुम्हें तो पैसा मिल रहा है, घर से पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, और तुम मजे कर रहे हो। लेकिन उनको क्या पता कि भाई मज़ा नहीं, वो तो सजा है भाई। देखो स्टूडेंट लाइफ में क्या है भाई, देखो स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि आप मज़ा दिल से नहीं कर सकते। मतलब इन द सेंस ये कि अगर आप इंजॉय करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक कुछ एक चीज़ सब जरूर सताएगी कि भाई मैं आज पढ़ाई नहीं किया हूँ, आज मेरा ये गोल्स बचा, आज मैंने ये काम नहीं, इस टॉपिक पे पढ़ाई नहीं की हुई है, और क्या होगा मेरा करियर का, करियर से रिलेटेड बहुत सारी थॉट्स आते हैं, मेरा करियर में फ्यूचर में क्या होगा, और मैं प्रेजेंट में पढ़ाई कैसा कर रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों को हमें उसके लिए मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहना है, तभी हम जाकर इन सभी कंडीशंस का सामना कर पाएंगे। और इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना, हमेशा ये नहीं कि हम एक दिन तो बहुत स्ट्रिक्ट रह गए, उसके बाद अगले दिन फिर से वही लापरवाही कर दी। तो हमेशा हमको 24/7 स्ट्रिक्ट रहकर एक विद्यार्थी जीवन का जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन में रहकर ही हमें कोई अपना गोल्स मिल सकता है, हम अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, इन सभी के साथ साथ एक चीज़ और हमारे साथ होती है जो स्टूडेंट के साथ बहुत कॉमन होती है कि मजाक उड़ाना। जब लोग आपका सामना नहीं कर पाएंगे, जब लोग आपका सामना नहीं कर पाएंगे, जब आपको देखेंगे कि आप कामयाब हो रहे हैं, आप पीक पर जा रहे हैं, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। और उसके लिए आपके अंदर सब्र का मादा अगर नहीं होगा, अगर आपके अंदर सब्र करने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो आप उनका सामना नहीं कर सकेंगे। तो आपके अंदर सब्र का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर होती है, कोई भी चीज़ अगर, कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल्स अगर हासिल होता है, तो उसके लिए सब्र का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब्र से ही सब कुछ पॉसिबल है, सब्र से ही, बर्दाश्त से ही किसी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, तो हमें एज ए स्टूडेंट एक डिसिप्लिन में रहकर सब्र के साथ मेहनत किए चले जाना है, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कि हमें कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। और
चील की तरह निगाह, यानी कि जैसे एक चील की निगाह एक अपने शिकार पर होती है, उसी तरह अपनी निगाह अपने ध्यान को आप इधर उधर जितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सभी डिस्ट्रैक्शंस से हटकर बचकर आप अपने गोल्स पर हमेशा फोकस रहें तो आपको डेफिनेटली कामयाबी ज़रूर मिलेगी, आपके गोल्स ज़रूर पूरे होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।